नबी इस्लाम से एक बंदे ने आगे कहा, या रसूलल्लाह मैंने फलां अमाउंट बताई, बड़ी हैवी अमाउंट मैंने इतनी दी है जहाद में, तो मैं भी मुजाहिद हूँ। नबी इस्लाम ने कहा, जब एक मुजाहिद गार्ड ड्यूटी पे होता है ना, गार्ड ड्यूटी पे, और जब वह सो जाता है ड्यूटी के बाद, तो जब खाक उसके पैरों के नीचे आती है ना, तो जो तुमने पूरा कुछ दिया ना, ये उस खाक के बराबर भी नहीं है। अभी मुझे पता ही क्या है कि इस्लाम के सिस्टम में प्लेसमेंट कैसे करते हैं, बट एटलीस्ट यू इज डूइंग इट, एटलीस्ट यू डूइंग इट, यस यू हैव फॉल, बट ये रैंक ना अपनी समझ लेंगे, प्लेसमेंट मत समझ लेंगे। मैं आपको इंटेलेक्चुअल जहाद की बात कर रहा हूँ, आपकी कैपेबिलिटी ना होती तो यहाँ पे पहुंचे ना होते आप। यू बेटर स्टार्ट फाइटिंग द थॉट प्रोसेस। ये डंडों से इस्लाम नहीं आना, तलवार से इस्लाम नहीं आना, मुझे ही पता है इस बात का, बंदूक से इस्लाम नहीं आना। 10 मिनट के लिए आ जाएगा, 15 मिनट बाद आप ही लोग अमेरिका का वीजा लेके भाग जाएंगे। अगर इस्लाम आ गया ना, अल्लाह ना करे वो वाला इस्लाम आ गया जो इस वक्त पाकिस्तानी मौलवी चाह रहा है आ जाए, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, सलफी है, बरेलवी है, देवबंदी है, वो जो चाह रहा है ना, जो उसको मैंने समझ आई है, वो आ गया तो लग गई हमारी। तो आगे 100 नस्लें इस्लाम में नहीं आएंगे अगर वो वाला इस्लाम आ गया जो इस वक्त पाकिस्तानी मौलवी कर रहा है, जो डंडे के ऊपर इस्लाम लिख के लेबल लगा रहे मुंह पे हमारे कि ये रहा मुस्लिम मुस्लिम, ऐसे कौन सी इस्लाम आना है। 5 मिनट के लिए आ जाएगी खिलाफत भी और इस्लाम भी, अपने सगे बेटे इस्लाम अमेरिका बैठे होंगे हमारे। डोंट लूज द इंटेलेक्चुअल बैटल, एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ दीज 3 फ्लैंक्स, या तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में आप जो कि आप केपेबल हैं, इसलिए बता रहा हूं, यू हैव टू बी द बिगेस्ट एडवोकेट्स इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्यूमन। आपको पता होना चाहिए मुसलमान ये कबीलों की लड़ाई असल में साइंस क्या, पुलिस की, वेयर डिड इट स्टार्ट, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाई डिड इट स्टार्ट, व्हाट एम आई डूइंग अबाउट दिस। आपको हर पाकिस्तान में हर 10वां बंदा एथिस्ट हुआ है, आपको पता भी है इस बात का, मैं इसलिए तो आया था, तो क्या था कि हुआ क्या आपके साथ, आपको पता भी है जंग चल रही है, भाई गोलियां चल रही है बैठे में, चाहे आ रही है कि नहीं, कोई फौजी कभी देखे ऐसे। मैं आपको बताने आया हूं हथियार किधर किधर पड़े हैं, फौज के यूनिट में आया हूं मैं, यूनिट में फौजी सारे खड़े बगैर हथियारों के बैठे हुए, और मैं कह रहा हूं हथियार किधर तुम्हारे,